डीएन हरियाणा देख रहे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम राजस्थान की यात्रा में हैं और लक्ष्मणगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर चूड़ी वाले द्वारा एक कुआं बनाया गया था। आप देख सकते हैं चारों तरफ गुम्बद है, कुआं अति प्राचीन है और कुएं की हम आप पूरी जानकारी लेंगे। यहां पर लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले वासी हैं कुछ, और जो ये मेन रास्ता पड़ता है जो लक्ष्मणगढ़ का किला भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आइए, कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा मेरे पास में आए, नज़दीक रहे ताकि अच्छी तरह देख सके हमारे दर्शक है। जो ये देखिए भाई, अति प्राचीन कुआं चारों तरफ गुम्बद, और यहाँ पर जो कबूतर है वो आज के दिन फिलहाल गुम्बद के अंदर बैठे हुए हैं। और कुछ यहाँ पर बहुत बहुत साथी है यहीं के रहने वाले। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बताइए कितना पुराना कुआं है, कब से ये? लमसम 200 साल पुराना लगता है, मैंने तो नहीं देखा। ये घनेड़ी वालों की तरफ से, घनेड़ी वालों की तरफ से बना। कुएं का नाम क्या होता है? इस कुएं का रामदेव जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। रामदेव जी का कुआं, रामदेव जी का सबसे पुराना कुआं है ये। सबसे पुराना मतलब लमसम ये ही नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मतलब पुरानी जो हवेलियाँ हैं वो भी है घनेड़ी वालों की। जैसे कि चार चौक की हवेली है, घनेड़ी वालों का कुआं है, बहुत प्राचीन चीजें हैं। मतलब लक्ष्मणगढ़ में ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं है जो अभी तक को मतलब उनकी निशानी मिट गई है। ये बताइए कुआं कितना गहरा होता है? कुआ कम से कम 250-300 से लमसम है। और पानी कैसा होता है? पानी इसका मीठा, अमृत की तरह, अमृत की तरह जल है, अमृत जल है। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार नारिया है, मैं पंडित के व्यवसाय से हूँ, पंडित पूजा पाठ का कार्य यहीं के रहने वाले, यहीं के रहने वाले। एक और शख्स है हमारे साथ और थोड़ा मेरे पास बहुत गहरा बताया जाता है, लगभग 350-300 फुट के करीब गहरा बताया जाता था। इसको एक खास बात क्या होती है? खास बात ये थी सर कि इसका जो पानी बड़ा मीठा होता था, और कोर से वो बाल्टी लटका रहे रस्सी द्वारा, जी जी, बॉन लगे होते थे, उनसे वो पानी निकालती थी और बड़ा ही स्वादिष्ट पानी ऐसा सुनते हैं हमने। तो मान लो कुएं का पानी तो हमने भी पिया है, पिया इसका, और अब तो नलकूप लग गए, नलकूप लग गई, इसके अंदर से भी मोटर लगाई गई है, दिखाई दे रही है पानी निकाला जाता है, अभी पानी अच्छा ये पानी। पर अब प्राय कुएं बंद कर दिए, प्राय कुएं बंद कर दिए। तो आप यहाँ के रहने वाले, कुएं के अंदर चारों ग्रुप गुम्बद भी बनाए गए, एक प्राचीन मंदिर भी नजर आ रहा है उस साइड, हम देखे तो देख सकते हैं वो बालाजी का मंदिर, बालाजी की स्थापना होती है। तो आप भी एक गायक बताए गए हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों को गाकर बताइए, सुनाइए। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पर जो लोग आए, जिन्होंने ऐसे नियम बनाए। ये देखिए बड़े अच्छे गायक है, पुराने गानों के शौकीन पर वचन न जाए। जी जी, देखिए सुरीली आवाज है बिल्कुल भाई साहब की, बगैर म्यूजिक के अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं। तो भाई साहब जो कुआ है इसके द्वारा, ये कुआ तो चूड़ी वालों की तरफ से बनाया, चूड़ी वालों की तरफ से बनाया, और ये छतरियाँ जो पहले मुगल काल से जो चल रही थी वही कलाकृतियाँ उसी समय की है, प्राचीन से भाई। दोस्तों आज लक्ष्मणगढ़ में हम उस प्राचीन कुएं के पास है। इस कुएं का पानी अमृत से भी मीठा होता था, और आप देख सकते हैं कुएं के साथ में ही हनुमान मंदिर और राम मंदिर भी बनाया गया है। बड़ा ही सुंदर कुआं आप देख सकते हैं, कुएं के चारों तरफ छतरी बनाई गई है, और अब इस कुएं के पानी को एक मोटरों के द्वारा निकाला जाता है, जहाँ कभी 8 बोर चलते थे, और 300 फुट गहरा ये कुआं, प्राचीन कुआं चूड़ीवाला के परिवार द्वारा बनाया गया था। इसके साथ ही शिव मंदिर भी बनाया गया है, और बड़ा सुंदर ये कुआं आज भी राजस्थान में मौजूद है। देख सकते हैं लक्ष्मणगढ़ के किले के पास ये कुआं, जो इसकी छतरी देखी जा सकती है, बड़ी सुंदर राजस्थानी कलाकृति उस समय की आप देख पा रहे हैं इस समय। और आजकल यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर पुराने वस्त्र डालना शुरू कर दिए हैं, और जबकि एक तरफ मोटर भी लगाई गई है पानी निकालने के लिए, देखा जा सकता है साहब। अति प्राचीन कुआं, बहुत सुंदर यहाँ पर छतरी बनाई गई थी, ताकि बारिश के मौसम में यहाँ पर पानी भरने के लिए कोई आए तो बारिश से बचने के लिए छतरी के नीचे खड़ा हो सके। और आप देख सकते हैं पक्षियों के बैठने के लिए गुम्बद के चारों तरफ ऊपर जो गुम्बद बनाए गए हैं कुएं के, उनके अंदर भी जगह रखी गई है, और चारों तरफ दिए लगाने के लिए भी जगह है। जुड़े रहिए, हम और भी चीज़ें दिखाएंगे।
इसी शहर की। जुड़े रहिए डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश सुलानिया।